हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। तबीयत मिजाज कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, उम्मीद करता हूँ सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। अच्छा, आज सुबह सुबह मुझे एक बार बार कॉल आती रही, उसने डिस्टर्ब किया मुझे। डेफिनेटली नींद से मैं बेदार हुआ। तो उसने कहा कि सर, आपने पिछली वीडियोस में आप प्रॉमिस किया था कि मैं आपको बहुत बड़ी खुशखबरियाँ दूंगा, और आपने उसके बाद कोई वीडियो इस सिलसिले में जारी की नहीं कि यूनिवर्सिटी की ऑनलाइन के हवाले से कुछ न्यू पॉलिसीज़ हैं जो स्टूडेंट्स के लिए बड़ी बेनिफिशियल हैं। आपकी तरफ से मुसलसल खामोशी छाई हुई है, तो डेफिनेटली मसरूफियात की वजह से मैं वो टाइम नहीं निकाल पाया और उस मौजू पे फिर मेरी बात ही नहीं हो पाई आप लोगों से। तो वो खुशखबरी ये थी कि पहले आपके इंटरनल मार्क्स 20% थे, और अभी न्यू पॉलिसी के अकॉर्डिंग ये जो आपका करंट सेमेस्टर है, इसमें जो आपके इंटरनल मार्क्स हैं वो 30% हो चुके हैं, जो कि आपके लिए बहुत बड़ा बूस्ट है। मिड टर्म और ये जो प्रेजेंटेशन और असाइनमेंट के हवाले से मैंने आपको पहले भी बताया कि अर्ली वेजी में इस पर वर्किंग भी कर रहा था कि मिड टर्म तो ले लिए जाते हैं, और जो सेमेस्टर सिस्टम का असल मकसद था प्रेजेंटेशन और स्टूडेंट शुड नो हाउ टू स्पीक, तो उस पर कोई खातर खा वर्किंग हो नहीं रही थी। अभी भी मुझे लग रहा है कि जो प्राइवेट कॉलेज हैं या गवर्नमेंट अफिलिएटेड कॉलेज हैं, ये इस पर एम्फोसाइज नहीं कर पाएंगे, लेकिन डेफिनेटली ये नंबर इस चीज़ के लिए एलोकेट हो चुके हैं। तो अल्टीमेटली आप लोगों को एक अच्छा एक्सपोजर भी मिलेगा, सीखने के लिए भी बहुत कुछ मिलेगा, और अल्टीमेटली जो आपकी ग्रेडिंग है इससे बड़ी अपलिफ्ट होगी। तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है आप लोगों के लिए, इसको एज अ पॉजिटिव लें इंशाल्लाह ताला। और इसके अलावा जो दूसरी न्यूज़ आ रही है, वो जो बार बार आप लोगों की क्वेरीज आ रही हैं, सर प्रैक्टिकल के हवाले से आपने नहीं बताया। आप कह रहे थे कि इस दफ़ा फिजिकल पेपर होंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल्स हैं और पूरी डिग्री प्रैक्टिकल्स के बगैर चली गई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यूनिवर्सिटी ने इस पर बड़ा सुलही मौक़िफ़ अपनाया है, और यूनिवर्सिटी आज तक की डेट में प्रिटी क्लियर है कि आप लोगों के पेपर नो डाउट अनडाउटेडली ऑनलाइन होने जा रहे हैं। लेकिन जो आपके प्रैक्टिकल्स हैं, अल्टीमेटली जो आपके प्रैक्टिकल्स वो होंगे और फिज़िकल प्रैक्टिकल्स होंगे ऑनलाइन एग्ज़ाम्स के बाद, तो ये भी आपके लिए एक अच्छा बूस्ट है कि प्रैक्टिकल में भी आपकी ग्रेडिंग ज़रा अच्छी आ जाती है। लास्ट टाइम जो आपकी जीपीएस थोड़ी सी डिक्रीज हुई है, वो इसी वजह से हुई है कि ऑनलाइन में आपके तो मार्क्स ज़रा कम आ गए थे, तो उसने अफेक्ट किया बुरी तरह से आपके प्रैक्टिकल्स के मार्क्स को भी, और आपकी परसेंटेज जो टोटल एग्रीगेट था उसको भी, और इसी तरह आपकी जो जीपीए थी वो थोड़ी सी ज़्यादा स्टूडेंट्स की नीचे गई है, और ये जो आर्ट साइंसेस के सब्जेक्ट्स थे इंग्लिश वगैरह हो गया, और इन लोगों की ज़्यादा जीपीए ऊपर गई है। तो बाकी फर्दर अपडेट्स के साथ मैं इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा जी। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर। ओके, अल्लाह हाफिज़।